हिंदुस्तान ने बहुत बुरी तरह फेंटा लगाया इंग्लैंड को, और इंग्लैंड बहुत बुरी तरह हारा है इंडिया से। और ऐसा बाजा बजाया कि उनको ये बता दिया कि बेटा ये आपकी बैस बाल भूस बाल इधर नहीं चलेगी, ये पाकिस्तान में जाके बजाना उनका घंटा। इंग्लैंड की जो टीम है वो आ, आ, बहुत बहुत बुरे टाइम से गुजर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंडिया की पिचेस है वहां पे खेलना मेरे ख्याल है एक मतलब जो बाहर से टीम आती है उसके लिए अजाब से बुरा नहीं हो सकता, कि इतना बड़ी मुश्किलात है कि किस तरीके से खेला जाए। और सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं देता हूं अश्विन को। अश्विन इज ऑल ओवर इंग्लैंड, अश्विन ने तबाही मचा के रख दी है। हाँ भाई, ग्रेट इंडियन टीम ऐसा बेसबॉल को वाड़ा है ना कि जिसकी गंध नहीं। एक जबरदस्त तरीके से रविचंद्रन अश्विन ने इस टेस्ट सीरीज के अंदर दोबारा दफे याद दिलाया कि ये है मेरा मैदान और यहाँ का मैं हूँ जेकान शिकरे, एंड फाइनली द बिग मैन हैज टर्नड अप। आज के दिन की लाइमलाइट अश्विन चुरा के ले गए अपने फाइफर के साथ। हमारे घर में जब इंग्लैंड आई थी ना 2022 में, 23 में, ठीक है बेटा, हमारा शहीन भी खेल रहा था, नसीम भी खेल रहा था, टेपिया भी खेल रहा था, बाबर भी था, रिजवान भी था, इमाम भी था, चाचा भी था, सब मेन टीम खेल रही थी। फिर भी इंग्लैंड हमें हमारे घर में आके 3-0 मार के गई थी हमारी मेन स्ट्रेंथ टीम के साथ। अगेन बहुत रूथलेसली इंडिया जा रहा है आगे। लोग कहते थे इंडिया बैटिंग से जीतता है, बॉलिंग से नहीं जीत सकता है। बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देख लें, बहुत बड़ा मार्का है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलिंग। और मुझे लग रहा था कि धर्मशाला जैसा है यहाँ पर को भारत के दिल में रहम आ जाएगा, तो भाई भारतीयों ने गोरों के ऊपर किसी किस्म का रहम दिखाया। भारतीय सरकार ये गोरों से बदला ले रही है जो इतने साल हुकूमत करके गए ना भारत पे, और जाते हुए कोहिनूर भी ले गए। ये इसी तरह गोरों की वाट लगेगी इंडियंस के हाथों। और सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल बाय स्पिनर, यानी अब 35 5 विकेट हॉल्स अश्विन ने अपने नाम कर लिए, स्टैगरिंग फिगर। अश्विन को वापस लाया ऑन द स्ट्रोक ऑफ लंच एंड टाटा बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हुआ वही जो होना था और इंडिया ने इंग्लैंड की बास बॉल को 4-1 से धर्मशाला में दफना दिया है, और 4-1 से ये सीरीज भारत ने अपने नाम कर लिया है। और अश्विन ने आज फिर बता दिया कि भाई शेर बूढ़ा जरूर हो जाता है लेकिन शिकार करना नहीं छोड़ता। फिर अश्विन ने आज पंजा झटका है, और जिस तरीके से पहले ही मतलब 3 विकेट झटके हैं, मतलब इंग्लैंड के स्पाइन को तोड़ के रख दिया है, और उसके बाद तो लगातार ऐसे विकेट गिरता चला गया। हालांकि रूट को स्ट्रगल करते हुए देखा, लेकिन कोई भी ऐसा इंग्लैंड के बल्लेबाज नहीं चला, और आसानी से इंडिया ये मैच अपने नाम कर लिया। इसको लेकर शोएब अख्तर समेत पूरी पाकिस्तान मीडिया इंडिया की जमकर तारीफ कर रहा है। चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। हाँ भाई, ग्रेट इंडियन टीम ऐसा बेसबॉल को वाड़ा है ना कि जिसकी गंध नहीं। तो इंडिया ने जिसे कहते हैं ना चूहे बिल्ली का खेल था, सही किया। ये जितने गोरे हैं ना, ये जब आपस में एशेज खेलते हैं ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ले, ये पाकिस्तान, चलो हम तो और हो गए पाकिस्तान भारत को तो समझते नहीं थे, ये चटरी पीसते रहते थे एशेज है एशेज है एशेज है। अब ये बेसबॉल ले आए थे, सारे का सारा जो रिदम था बेसबॉल का भारत ने इनकी ऐसी की तैसी कर दी है कि एयर इंडिया का मुकाबला ब्रिटिश एयरवेज से था, और एयर इंडिया के जो जहाज है ना वो ब्रिटिश एयरवेज को बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल गए। और बहुत अच्छी बात है कि इससे आप ये देखें कि भारतीय टीम का एतमाद बहाल होगा। मतलब इंग्लैंड जैसी टीम पहला टेस्ट मैच जीत गई, उसके बाद आपने कंटिन्यूसली उनको 3 टेस्ट मैच मारे और इनिंग्स जो है वो सीरीज अपने नाम की। अब आखिरी धर्मशाला में था, और मुझे लग रहा था कि धर्मशाला जैसा है यहाँ पर को भारत के दिल में रहम आ जाएगा, तो भाई भारतीयों ने गोरों के ऊपर किसी किस्म का रहम दिखाया। भारतीय सरकार ये गोरों से बदला ले रही है जो इतने साल हुकूमत करके गए ना भारत पे, और जाते हुए कोहिनूर भी ले गए। ये इसी तरह गोरों की वाट लगेगी इंडियंस के हाथों, और काश कि पाकिस्तानी भी इसी तरीके से हरा सके, लेकिन हमारी भी टेस्ट साइड इतनी बेहतर हो सके। तो वेल डन टीम इंडिया। एक्स्ट्रा कवर निकल के मारे, सीधा शॉट खेले, स्वीप शॉट खेले, बैकफुट पे आके शॉट खेले, बॉल को रोके या कट शॉट खेले, भाई कौन सी शॉट खेले हमें ये बता दें कि कौन सी शॉट खेलें इस पिच के ऊपर। ये सूरत हाल है इंग्लैंड की, और इंग्लैंड की जो टीम है वो बहुत बहुत बुरे टाइम से गुजर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंडिया की पिचेस है वहाँ पे खेलना मेरे ख्याल है एक मतलब जो बाहर से टीम आती है उसके लिए अजाब से बुरा नहीं हो सकता, कि इतना बड़ी मुश्किलात है कि किस तरीके से खेला जाए। और सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं देता हूं अश्विन को कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है स्पेशली जो स्पिनर्स की वो कितनी तगड़ी रह चुकी है। दो दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो गया, लेकिन ये तो हमें पता था कि जब दोबारा इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने आएगी तो 100% इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। अब
देखिए जब इतना ज्यादा स्पिन हो रहा तो क्या करेगा बैट्समैन, इतना बेबस थे इंग्लैंड वाले, उनको वैसे डर था कि डाउन द विकेट निकल के मारेंगे, बॉल स्पिन हो जाएगा, स्टंप हो सकते हैं, शॉट्स आप देख लें, स्विप शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, रिवर्स स्विप मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही थी हमने किस तरीके से क्रिकेट खेलनी है। जब इतना स्पिन हो रहा होता तो फिर तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। स्पिनर्स का कमाल तो है ना, ऐसा नहीं है, बॉल स्पिन भी हो रहा था, आम बॉल बिल्कुल चेक नहीं कर पा रहे थे इंग्लैंड के प्लेयर्स, क्योंकि बॉल उनके माइंड में यही था कि बॉल स्पिन इतना ज्यादा हो रहा। आपने देखा कि जब स्पिन होता है तो कितना ज्यादा स्पिन होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब अपनी होम कंडीशंस में खेलते हैं तो उसका फायदा तो आप उठाते हैं, और वो उठाया गया। पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद जिस तरह इंग्लैंड की टीम का लेवल जिस तरह ऊपर गया था, लग ऐसे रहा था कि बड़ा जबरदस्त आगे चल के परफॉर्म करेगी, शायद इनको पिचेस की समझ आ गई है कि किस तरीके से खेलना है इन पिचेस के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये तो पता आइडिया था बड़े अच्छे तरीके से कि इंडिया बाउंस बैक करेगा, उसकी वजह ये थी कि बाउंस बैक करने की वजह ये थी कि इन स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं इनके पास, और उनको आइडिया बड़ा है इन पिचेस पे करने का। लेकिन इंडिया में ज्यादातर हमने ये देखा है कि 3 दिन में 3.5 दिन के अंदर 2.5 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म होते हुए भी हमने देखे हैं, क्योंकि बॉल इतना स्पिन होता है, नए बॉल से स्पिनर स्टार्ट हो जाते हैं। अश्विन इज ऑल ओवर इंग्लैंड, अश्विन ने तबाही मचा के रख दी है। कुछ दोस्त कहते थे कि अश्विन को रिटायर नहीं हो जाना चाहिए, तो मैंने कहा था कि भाई आप इसको हमें दे दें पाकिस्तान को, तो हम इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे गन्ने वाली मशीन में गन्ना गुजारते हैं, जब तक ये खेलेगा हम इसको खिलाएंगे, इसकी अपनी जब मर्जी होगी थी रिटायर तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है आप ठीक है रिटायर। तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक हेस, और इंग्लैंड डकेट मतलब जिस तरह उसको निकल के खेल रहा था, बड़ा एम्बेरसिंग बोल्ड हुआ। बाकी क्रॉले भी करते कराते एक के बाद एक मिस्टर बेस्टो को कुलदीप खा गया, और एंड पे अभी बिल्कुल लंच से पहले जनाब चलते बने लंच करवा दिया, पांचवीं बॉल में लंच करवा दिया उसने। हाँ प्रोग्राम तो बढ़ गया पूरा ही। अश्विन को रिटायर कर दे, फर्क हो गया और बोझ है और चलता नहीं है और अपना बिल्कुल फर्क है। 13वीं दफा इंडिया में बेन स्टोक्स की विकेट ली है, 13th time। कमाल की कप्तानी कर रहा है बुमराह, तब उसने अश्विन लगाया और अश्विन ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, लेकिन फिर लगातार 8 ओवर जो करवाए ना, तो बग्गा जी ने फिर ऊपर नीचे 2 छक्के फिर तीसरा भी छक्का लगाया। अच्छा बग्गा अटैक कर रहा था, लेकिन फिर कुलदीप को फाइनली लगाया और फिर कुलदीप ने आते ही विकेट लिया, अश्विन को वापस लाया ऑन द स्ट्रोक ऑफ लंच एंड टाटा बाय बाय। पकड़ के इंडिया ने इंग्लैंड का घंटे के साथ साथ छनकना, और छनकने के साथ साथ हल्का सा बाजा, और बाजे के साथ साथ जब वो डंडा दे के इंग्लैंड का बजा दिया पकड़ के, और ऐसा बाजा बजाया कि उनको ये बता दिया कि बेटा ये आपकी बैस बाल भूस बाल इधर नहीं चलेगी, ये पाकिस्तान में जाके बजाना उनका घंटा या दूसरे भागों में करना, ये हमारे आगे ये टिटो पार्टियां ये तमाशबिनियां नहीं चलेगी आपकी, ठीक है हमारे आगे ये टोपी ड्रामे नहीं लेके आया करो, हम बजा लेते हैं पकड़ के। हमने ऑस्ट्रेलिया का जो है गाबा में बजा दिया था, हमने ऑस्ट्रेलिया का 36 साल उठ के बाद उधर ऑस्ट्रेलिया को सोम सोम के नीचे गिरा दिया था, हम इंडिया वाले हैं हम बजा देते हैं पकड़ के, ये टीम इंडिया ने बोला इंग्लैंड को। और बेटा पाकिस्तान में तो इंडिया वाले इंडिया ट्रेंडिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि इंडिया ने इंग्लैंड की बैस बॉल का खात्मा किया है, ये बात पाकिस्तान को भी पता है, इंडिया ने ये बता दिया उनको कि बेटा वो क्लास की साइड है, वो बैटिंग में भी करते हैं वो बॉलिंग में भी करते हैं, क्योंकि वो कलेक्टिव वाइज परफॉर्मेंसेस देते हैं, वो एज अ टीम खेलते हैं, उनमें कभी भी इंडिविजुअल माइलस्टोन ये वो पैन प्रक्रिया कभी भी उनमें ये बातें आई नहीं है। उसी अश्विन नन्ना ने 5 विकेटें ली है और पकड़ के इंग्लैंड को बजा दिया उत्तर फाइनल तेरा आज ही बजा दिया पकड़ के, दिस इज नॉट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं आता, पाकिस्तानी मैच आग दो इंडिया की परफॉर्मेंस देख के, विदाउट शामी उन्होंने ये काम किया, विदाउट विराट कोहली, विदाउट पंत, विदाउट केएल राहुल, 11 बन रहे हैं, रोहित शर्मा की कप्तानी काम कर रही है, और उन्होंने पकड़ के बजा दिया, उन्होंने पकड़ के सुझा दिया, उन्होंने पकड़ के लटका दिया इनके लिए। बेटा ये जो पाकिस्तान के घंटे हैं इनको मैं एक बात बता दूं, हमारे घर में जब इंग्लैंड आई थी ना 2022 में 2023 में, ठीक है बेटा हमारा शाहीन भी खेल रहा था, नसीम भी खेल रहा था, टेपिया भी खेल रहा था, बाबर भी था, रिजवान भी था, इमाम भी था, चाचा भी था, सब मेन टीम खेल रही थी, फिर भी इंग्लैंड हमें हमारे घर में आके 3-0 मार के गई थी हमारी मेन स्ट्रेंथ टीम के साथ, और उनकी एक दो मेन स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं था आया, एंडरसन को भी उन्होंने एक आधा मैच ही खिलाया था, लेकिन इंडिया ने तो भाई उनके मेन बंदे ही नहीं है, ना कोहली है, ना बुमराह है, ना शामी है, ना केएल राहुल है, ना पंत है, टीम भी उनके आगे पीछे चल रही है, मतलब डेब्यूज हो रहे हैं अंदर, लेकिन उन्होंने पकड़ के बजा दिया, क्योंकि बेटा उनकी जो डोमेस्टिक सर्कट में से बंदा निकल के आता है ना वो प्रॉपर समझ इंटरनेशनल प्लेयर, उधर से ही बन के आता है, इधर आगे नहीं बनता वो उधर से बन के आया होता है। इंग्लैंड को तो इंग्लैंड की बैस बॉल को आज खत्म कर दिया, इंडिया भाई डब्ल्यूटीसी में तो पक्का फाइनल खेल रहा है, तीसरा फाइनल इंडिया डब्ल्यूटीसी का फिर खेल रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी नीचे डब्ल्यूटीसी में, इसका मैं क्या करूं।
तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया जमकर तारीफ कर रहा था इंडिया की इस, मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से इंग्लैंड की जो बैच बॉल थ्योरी था उसको दफना कर रख दिया इंडिया ने, और बैच बॉल थ्योरी आगे जाके बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वो इंडिया में बैच बॉल अपना रहे थे और हर मैच में ऐसे फेल हो रहे थे, सिर्फ पहला ही टेस्ट उन्होंने जीत लिया, उसके बाद जिस तरीके से एक तरफा इंडिया ने उनको मैच मारा है, तो उसके बाद तो मतलब कह सकते हैं कि बैच बॉल अगर थ्योरी बेन स्टोक्स फिर उठाएगा तो उनके जो लीजेंड क्रिकेटर है और फॉर्मर क्रिकेटर है वो धोखे रख देंगे, मतलब नासिर हुसैन, माइकल वॉन, ये सब उनको पहल रहे हैं सामने आकर कि भाई बैच बॉल थ्योरी तो अब इंडिया के सामने नहीं चल सकता और बैच बॉल के पीछे हम नहीं छुप सकते। ऐसा ही कुछ हाल हो गया इंग्लैंड का, मतलब स्पिनर से ऐसे डरे हुए इंग्लैंड वाले कि मतलब कैसे खेलेंगे वो समझ नहीं पा रहे, अश्विन को और कुलदीप को तो रीड ही नहीं कर पा रहे, और बुमराह ने जो आज 2 विकेट जटे हैं उनको भी तारीफ बनता ही है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा जो टेस्ट सीरीज था, ये जो कह सकते हैं यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, अश्विन, कुलदीप यादव की और जो हमारे डेब्यूटेंट सरफराज खान, ध्रुव जुरेन और आकाशदीप के आसपास इर्द गिर्द ही घूमता रहा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी, मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।